दो जगह आग लगी हुई है, एक यहाँ और एक मणिपुर में, तो खास तौर से एक जगह आग लगी हुई है, उसको बुझाने में इन लोगों को दिक्कत हो रही, नहीं करना चाह रहे। एक जगह आग नहीं है, वहां आग लगाई गई है। गुरुवार को जन हस्तक्षेप की एक टीम सईद नकवी साहब की सदारत में हम लोग गए थे। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई, किसान संगठन के वहाँ के लीडर्स थे, विशेषकर ऑल इंडिया किसान सभा के कुछ साथियों से मुलाकात हुई, हिंदू मुसलमान सभी तबकों के लोगों से हमारी बात हुई। जो हमें देखने को मिली, जो ये पूरा हिंदुत्व का विरोध जो है, RSS BJP पूरा जोर लगाया वहाँ पे एक माहौल ऐसा पैदा करने के लिए, और मेरे ख्याल से सईद साहब उस पर और ज्यादा तफसील से बोलेंगे। तो आज कल जो सबसे फेमस बैटमैन है वहाँ, उनका नाम है मुनू मले सर, और विट्टू बजरंगी। इसका अच्छा कि पूरा मेवात का इलाका जो है ये राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस तमाम एरिया को स्ट्रैटल करता है। तो मकसद यह है कि यहाँ पे अगर वातावरण ऐसा बने तो सबसे पहले तो राजस्थान का इलेक्शन आने वाला है। मेरा पर्सनल जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तो राजस्थान का इलेक्शन है, दूसरे हमारे मनोहर लाल खट्टर जी का तीसरा टर्म की बात है, वहाँ मुश्किल दिखाई दे रही है। चौथा 2024 का इलेक्शन है जनरल, और फिर नॉर्थ दिल्ली में जो लोग लाए गए हैं यहाँ बीजेपी के हेड वगैरह, ये वही है जो कि राइट्स में यहाँ नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो राइट्स थे वो अब यहाँ के हेड हैं। तो ये पूरा एरिया जो है इसमें आप लोग तैयार रहिए, इसीलिए इसको गर्म वार्म अप किया जा रहा है। इसीलिए इनका जो पहला झटका था, जो 31 जुलाई को जो यात्रा निकलने वाली थी, उस यात्रा की लॉजिस्टिक्स इंटरेस्टिंग, यात्रा निकलती और लेकिन यात्रा से पहले जो वातावरण बना दिया गया था फेसबुक पे और ट्विटर पे और फेसबुक पे स्टेटमेंट्स आ गए कि भाई अब हम आना चाह रहे हैं, तैयार करो, फूल की मालाएं तैयार करो, तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं। फेसबुकिंग बहुत बड़े पैमाने पे हुई 31 तारीख को, कि हुआ कि प्रोसेशन निकलेगा, यात्रा निकलेगी। उस यात्रा 3 साल से निकल रही, उससे पहले नहीं निकलती। जब से ये सरकार रहे हैं तब से वो है यात्रा। तो वहां दोनों तरफ ये म्यो नौजवान, कुछ लीडरलेस, कुछ विद लीडर्स, कुछ विद सम प्रोवोकेशन, ये सब के सब दोनों साइड में। अब वो जब प्रोसेशन निकला, उसमें बच्चे भी थे, उसमें औरतें भी, यानी ये कि वहां उस लश्कर पे कोई अटैक नहीं हुआ, उस प्रोसेशन पे कोई अटैक नहीं हुआ। जो मकसद था इनका वो नहीं पूरा हुआ, क्योंकि अटैक होना था, ये पहला अटैक था जिसमें कि मुसलमान मारता और एक 100 लाशें मिल जाती। ये जनाब गोधरा क्या बेचता है फिर, ये कंधों पे लेके तमाम इलाकों में ये कर जाते, और ये सब मेरा कयास है। हमें अंदाजा नहीं था, हमारे रोंगटे वहां खड़ा हो गए जब पता चला कि ये होने वाला था। लेकिन अगर वहां आप जाके देखें तो हर दूसरी बिल्डिंग रियल्टर या प्रॉपर्टी डीलर है, यानी प्रॉपर्टी डीलर्स के इलाके में आपने एक इतनी बड़ी जमीन दे दी है कि वहां ये लोग अपनी नमाज पढ़ते, तो उसमें वहां के इमाम को मार दिया गया। लेकिन जिस लेवल पे होने वाला था वो नहीं हुआ, उसकी वजह आपको मैंने बताया। लेकिन उसका जो बेसिक रीजन है कि आप हमें टॉलरेट करते हैं, हम आपको टॉलरेट करते हैं, बस खेल खत्म। पैदा सेकुलरिज्म जब बनती है, जबकि आप कॉमन स्ट्रगल से निकलते हैं, यहां मेओ और जाट और सिखों की बड़ी याद कर रहे लोग, उन्होंने जिस तरह से
किसान आंदोलन के साथ, जाट आंदोलन के साथ, अभी ये औरतें पहलवान जाट लड़कियां रेसलर्स उसमें साथ, तो ये जो साथ होते होते उसमें जो दोस्ती पैदा हुई है सुपरफिशियल और शैलो सेकुलरिज्म से ज्यादा मजबूत है मेरे नजदीक। मूवमेंट से निकले एक ही झंडा लेके निकले, एक ही कॉज को परसू कर रहे हैं, वो जो कॉमन कॉज वाला यूनिटी है वो वहां इन दो समुदाय में दिखाई दी, जिसकी वजह से ये हंगामा उस हद तक नहीं फैला। ये यूनिक बात है, ये सिल्वर लाइनिंग है जो मुझे दिखाई देती है। अगर मुसलमानों का इरादा धार्मिक यात्रा पे हमला करने का था, पहली बात तो ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं, धर्म की आड़ में एक यात्रा जरूर। इस यात्रा के 15 दिन पहले मेवात से एक और कांवड़ यात्रा निकाली गई। उस कांवड़ यात्रा में मुसलमानों ने पानी पिलाया लोगों को और जो सेवा वगैरह करते हैं, और वो यात्रा निकली, एक कंकड़ भी कहीं नहीं उछला, एक नारा भी कहीं नहीं लगा। मैं समझता हूँ कि हमारे जाने का मकसद सिर्फ इस बात को रखना नहीं था। वो मंजर जो हमने देखा कि एक ही कमरे में वो जाट भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं और समुदाय के लोग बैठे हैं, और तपाक दिली से अपनी अपनी बात कह रहे हैं, एक दूसरे की बात कह रहा है, दूसरा तीसरे की बात कह रहा है। दीप फोटो जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ थे, बहुत बेहतरीन कुछ फोटोज देखी दी हैं उन्होंने। जन 786 मेंबर कमेटी ने जो अपने फैक्ट्स वहाँ इकट्ठा किए वो आपके सामने रिपोर्ट में है, और उसका जो निष्कर्ष है कि यह जो सारा कुछ था कि मेवात में, अगर हम संक्षेप में कहेंगे, बीते एक 4-5 वर्षों से वहाँ एक माहौल बनाया जा रहा है, एक गुजरात जैसी एक प्रयोगशाला वहाँ खड़ा करने का, और निरंतर किसी न किसी मुद्दे को लेकर के वहाँ माइनॉरिटी पर हमले होते रहे हैं। और इससे पहले भी जन हस्तक्षेप की टीम हरियाणा में कई दौरे बीते 4-5 वर्षों में फैक्ट फाइंडिंग के लिए जा चुकी है। इधर ताजा जो घटनाक्रम है उसमें एक साफ दिखाई पड़ता है कि मेव मुसलमानों को भड़काया गया, दोनों पक्षों जो यात्रा जो कि हमारे फैक्ट फाइंडिंग में है कि वो 3 साल से शुरू की जा रही थी ब्रिज मंडल यात्रा, और वो बजरंग दल ने उसको आयोजित करना शुरू किया था, उससे पहले इस यात्रा का कोई इतिहास नहीं है। वहाँ कांवड़ यात्रा जरूर निकलती रही है और 84 कोसीय परिक्रमा यात्रा वहाँ होती थी, जिसका इंतजाम वहाँ के जाट और मेव मुसलमान खाने पीने लंगर का इंतजाम करते रहे हैं, और इसका एक लंबा इतिहास है। तो ये फैक्ट फाइंडिंग टीम का जो निष्कर्ष है, फैक्ट अपने आप में कुछ नहीं कहते, फैक्ट को अगर हम एनालाइज करते हैं तो चीज़ें तस्वीर बहुत क्लियर होती है। उसमें हम जो देखते हैं कि भाजपा आरएसएस की जो सरकार है वो चाहे कहीं सिंगल इंजन की हो चाहे डबल इंजन की हो, वो देश में रोजगार देने, महंगाई को नियंत्रण करने, लोगों आर्थिक विकास में हर मुद्दे पर वह विफल रही है और चुनाव उसके सर पर है। इसलिए पूरे हिंदी पट्टी में वो बहुत सारे इतिहास को ज्यों का त्यों नहीं दोहरा सकते, बालाकोट नहीं कर सकते, चीन पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर सकते। तो हमने जो वहाँ देखा तो हमें महसूस होता है कि वो एक बड़ी प्रयोगशाला हिंदी पट्टी में वो स्थापित करना चाहते हैं, जो हरियाणा, चूँकि वहाँ डबल इंजन है तो उनके लिए ज़्यादा आसान। लेकिन यह उनका दुर्भाग्य है कि 1.5 साल के किसान आंदोलन ने चीज़ों को, पूरे वातावरण को बहुत डेमोक्रेटाइज कर दिया है। लोगों के बीच में जो दूरियां कभी बनी रही होंगी, खासतौर पर 2013 मुजफ्फरनगर की, वो फिर खत्म हो चुकी है। मुस्लिम बहुल इलाके में 1,500 की यात्रा की भीड़ को वहां पहुंचा दिया जाता है, सुरक्षा के नाम पे जो 50-60 सिपाही होते हैं, जब वहां मोनू मानेसर और बिट्टू ये बजरंगी को खोजा जाने लगता है तो वो पुलिस वाले भाग जाते हैं, पथराव होता है, दोनों तरफ से कुछ गोलियां चलती हैं, लेकिन 4 घंटे तक सुरक्षा का कोई इंतजाम प्रशासन नहीं करता। मतलब कि 4 घंटे तक एक 1,500 की यात्रा की भीड़ या 1,800 की जो यात्रा की भीड़ है वो पूरे मुस्लिम बहुल इलाके के बीच में है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर वह
मेवात के लोग चाहते तो वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। गाड़ियां और चीजें जरूर जलती हैं। तो बहुत सारे फैक्ट इसमें सब आ गए हैं और हमारे साथियों ने कहा और जो सही साहब ने कहा कि उनकी जो राय है वो बन रही है, वो राय फैक्ट के आधार पर उनकी बन रही है और ये कमेटी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट रख दी है। हमारे आने के बाद वहाँ बुलडोजर चले हैं और 700-800 मकान दुकानें गिराई गई हैं। सड़कों के किनारे जो मेवात के इलाके में हरियाणा में स्ट्रीट वेंडर का काम ज़्यादातर गरीब मुसलमान करते थे, तो वो हज़ारों के तादाद में उनके ठेले खुमचे जलाए गए हैं, तोड़े गए हैं। ये बीते कल परसों में ये हुआ है। एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए या उसको उसको संतुष्ट करने के लिए प्रशासन ने जरूर अनैतिक ढंग से, गैर कानूनी ढंग से बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाए और लोगों के घर गिराए। इस पॉलिटिकल लीडरशिप को इस बात की जरूरत महसूस नहीं होती कि वो वहां पे जाकर के लोगों के साथ खड़े। अगर शायद ऐसा कोई लीडर ये करता तो वो इतने बड़े पैमाने पे बुलडोजर से 600-700 मकान दुकानें वगैरह गिरा दे, ये शायद न हो पाता। जो दुबे जी कह रहे हैं कि 25-30-50 लोग, तो कोई रॉयल्टी 25-30-50 मतलब ये उनके छठे हुए गुंडे हैं जो ये कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि भाई इतनी छोटी भीड़ है तो लोग आम लोग उसका मुकाबला क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि स्टेट मशीनरी किसके साथ खड़ी है।